गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया। सो मैंने आज ये मेकअप लुक क्रिएट किया है यूजिंग दोज ब्रशेस जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सो गाइज ये ब्रशेस 24 का सेट आता है और अंडर 400 है, जिसमें से कि 6 फेस ब्रशेस हैं और 18 आईज ब्रशेज हैं। सो चलिए देख लेते हैं एक एक करके कि कौन सी ब्रशेज किस चीज़ के लिए हैं। दो फैन ब्रशेज आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जो इससे जिसे आप हाइलाइटर के लिए यूज़ कर सकते। एक फ्लैट शेडर ब्रश आता है जिसे आप फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। और 3 ऐसे ब्रशेज आते हैं जिसे एक को आप पाउडर के लिए यूज़ कर सकते हो, एक को आप ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हो और एक ये एंगल ब्रश है जिसे आप कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज़। 5 ब्रशेज होते हैं आईब्रोज के लिए, एक बड़ी और एक छोटी एंगल ब्रश, एक स्पूली और एक कोम्ब। ऐसे पतले ब्रशेज आते हैं जिसे आप लिपस्टिक और आईलाइनर के लिए यूज़ कर। और 10 ब्रशेज आते हैं आई शेडोज के लिए। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें कोई फ्लफी ब्रश नहीं है, सब शेडर ही हैं, आप देख सकते हो। गाइस ये थी वो 24 ब्रशेस और कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में वो आती हैं इस पाउच में अच्छे से रैप होके। सो चलिए देख लेते हैं कि वो ब्रशेस अच्छे से वर्क करती भी हैं या नहीं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये फाउंडेशन ब्रश, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। तो फाउंडेशन इससे अच्छे से ब्लेंड तो हो रहा है। तो फाउंडेशन तो अच्छे से अप्लाई हो गया, अब इसे कंसीलर अप्लाई करके देख लेते हैं कि होता है या नहीं। तो कंसीलर भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया, आप देख सकते हो। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिग ब्रश पाउडर के लिए, देखते हैं इसे पाउडर अच्छे से अप्लाई हो पाता है या नहीं। तो पाउडर भी अच्छे से हो गया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एंगल ब्रश अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए, तो देखते हैं आईब्रोज अच्छे से फिल होते हैं या नहीं। देख सकते हो आईब्रोज भी अच्छे से फिल हो गई है इससे। उसके बाद मैं लूँगी एक एंगल ब्रश, उससे मैं अपनी चीक्स को थोड़ी सी कॉन्टोर करूँगी। और देख सकते हो थोड़ी सी जॉ लाइन को। उसके बाद मैं एक फ्लफी सा ब्रश लेके थोड़े से अपने चीक्स पे ब्रश लाऊंगी।
उसके बाद मैं लूंगी काई शेडो ब्रश और से मैं क्रीज लाइन पे कलर को ब्लेंड करूंगी। उसके बाद एक और ब्रश के हेल्प से एक कलर अपने क्रीज लाइन में लगाऊंगी। ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कोई ट्यूटोरियल नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ जज मत करिएगा कि ऐसा है वैसा है। मैं बस देखना चाहती हूँ कि ये ब्रशेज वर्क कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद एक एंगल ब्रश से आउटर कॉर्नर पे फिल कर लूंगी। उसके बाद मैं एक आईलाइनर लगाऊंगी और स्मजर के हेल्प से उसे ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं लूँगी एक फैन ब्रश और उससे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हाइलाइटर लगाऊंगी। देख सकते हो। उसके बाद एक पतली सी ब्रश से मैं अपने लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने ये ब्रश को ही यूज़ करके ये मेकअप टर्न आउट किया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।